तो गाइस आप देख सकते हो वैनिश में कुछ तो कुछ एक्शन होना चालू हो चुका है अब भी से, भाई एक मिनट नहीं हुआ है डालने के। तो गाइस यहाँ पे भी मेरे हिसाब से नहीं, अभी आप ही लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये दोनों रुमाल में से कौन सा रुमाल विनर है और कौन सा रुमाल रूजर रैश में। आपके सामने एक बार इसको ऐसे से और गंदा कर देता हूँ, थोड़ा सा अपने और भी साफ कर लेता हूँ इससे, और इसको डालेंगे अभी अपन वैनिश में एक रुमाल और दूसरा रुमाल आप देख सकते हो ये वाला जो कि हमने कुछ ऐसा गंदा किया था, इसको डालेंगे हम सर्फ एक्सेल में। तो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बैटल रखा था बिटवीन सर्फ एक्सेल वर्सेस एरियल वर्सेस टाइड, और आप लोगों के सामने एक क्लियर विनर था और हमने विनर घोषित किया था सर्फ एक्सेल को। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। और गाइज आज हमने सेम वैसा ही वीडियो बनाना है, लेकिन आज अपन बैटल करने वाले हैं दो लेजेंडरी ब्रांड्स के बीच में, जो कि है वैनिश, जिसको टीवी पे बताया जा रहा है कि सबसे खतरनाक ब्रांड है, और जो हमारे नज़र में सबसे खतरनाक है वो है सर्फ एक्सेल इजी वॉश, और ये है वैनिश ऑक्सी एक्शन। क्या बोला तूने? ऑक्सी एक्शन। तो गाइज आज अपन क्या करेंगे, मैंने लिए है ऐसे दो रुमाल, ये देखिए एक और ये दूसरा, और मैंने कुछ लिया है एक बर्तन में, देखिए इसमें लिया है मैंने हल्दी, इसमें लिया है मैंने चाय का पानी जिसको मैं आपको हाथ में लेके बताता हूँ, देखिए इसमें चाय उबाल के रखा है मैंने, ये चाय पत्ती भाई बहुत गंदी लग रही है, और इसमें है टोमेटो सॉस किसान का जो कि बहुत टेस्टी रहता है, आप देख सकते हो इसको आप खा भी सकते हो भाई बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस सबसे पहले अभी आप ये एड्स देख लो, इनके 10 हाथों ने मुश्किल काम आसान कर दिया, पर ये दांत जितनी दांत निकालना इजी है, सर्फ एक्सेल के 10 हाथों की शक्ति निकाले मुश्किल दांत आसानी से, सर्फ एक्सेल इजी वॉश। कपड़े धोना मतलब लक बाय चांस, डिटर्जेंट महंगा फिर भी दाग नहीं जाते, और रगड़ो तो कलर्स फेड राइट, और सफेद कपड़े हर वॉश के बाद वाइट कम पीले ज्यादा, देखिए अब हर वॉश से होंगे दाग गायब, रंग ब्राइटर, वाइट व्हाइटर, वैनिश की गारंटी। आपने कहा तो मानिए, मानिए मत, देखिए एक जूस चाय और मुश्किल बनाता हूँ ये महंगा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के साथ एक स्कूप वैनिश, इसमें है मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन बबल्स की पावर, दाग गायब रन ब्राइटर, न्यू वैनिश दाग गायब ब्राइटर रन व्हाइटर वाइट्स। तो गाइस ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वैनिश पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें लिखा है कलर वाले कपड़ों के लिए हमें कम से कम एक घंटा पानी में इसको भिगो के रखना है, मतलब लीव टू सोक फॉर मैक्स 1 आवर, ऐसा इस पे लिखा है, और इस पे लिखा है कि वॉश द स्टेन इमीडिएटली विद वाटर फॉर टफ स्टेन्स, प्री सोक इन डिटर्जेंट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि आपको आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है और वैनिश में एक घंटा भिगो के रखना है। तो अपन जस्ट सिंपली आज क्या करेंगे, अपने रूमाल पे दाग लगाने के बाद दोनों को एक घंटा पानी में भिगो के रखेंगे और फिर देखेंगे कि अपना विनर कौन ठहरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये ले लिया मैंने दो रुमाल, ये आपके सामने यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये रहा एक और ये रहा दूसरा। तो गाइज सबसे पहले अपन अभी क्या करेंगे, ये देखिए मेरे हाथ में है हल्दी, आप दिखा सकते हो इसमें दिख रही है हल्दी, ये देखिए हल्दी, इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ दाग लगने लायक, इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, और गाइज ये दो पट्टी के बीच में दाग लगाऊंगा, आप देख सकते हो हल्दी मैंने मिक्स किया, यहाँ पे एक ऐसा कुछ दाग लगा देता हूँ और ये साइड में कुछ ऐसा दाग लगा देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लगाऊंगा भाई, छोटा ही लगाऊंगा, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मेरे रुमाल बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे भाई, वापस यूज करने के लायक रुमाल ही नहीं रहे थे मेरे। और ये देख सकते हो आप इसमें है चाय का पानी, इसको भी एक बार मिक्स कर देता हूँ, और गाइस थोड़ा सा डालूंगा इसको मिडल में, ऐसा लंबा डाल दो मतलब आपके भी ध्यान में रहे कि ये था चाय का दाग, ये था चाय का दाग, ये देखिए ये है चाय का दाग, ये दूसरे रुमाल पे भी हमने चाय का दाग गिरा दिया है। अभी लेते हैं टोमेटो सॉस, इस पे डाला भाई हमने थोड़ा सा टोमेटो सॉस, इस पे डाला हमने थोड़ा सा टोमेटो सॉस, और एड्स में तो वो लोग इस्त्री वगैरह घुमाते हैं भाई,
उतना बजट ज्यादा है नहीं अपना सच में, तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। और भाई इतना ही, इससे ज्यादा दाग तो किसी के घर में नहीं लगता, हो सकता है तेल का दाग लगे, इससे ज्यादा टफ स्टेन तो कोई नहीं रह सकता है। तो ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने ये दोनों रुमाल गंदे कर दिए। आप देख सकते हैं दोनों रुमालों को एकदम अच्छी तरीके से दिख रहा है, दोनों आइडेंटिकल है। आप देख सकते हो दोनों रुमाल एकदम अच्छी तरीके से और इक्वली गंदे हो चुके हैं अभी 100% इक्वल। ठीक है, तो ठीक है अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन दोनों रुमालों को ऐसे जमा करेंगे, साइड में रखेंगे। और आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे लिए है 2 डब्बे। और गाइज अगेन ये भी थोड़ी सी बजट की कमी के कारण मैं दोनों डब्बे सेम नहीं ला पाया, उसके लिए भी सॉरी। लेकिन आपको अभी आपके लिए इतना कर रहा है तो भाई वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो गाइज अभी अपन क्या करेंगे, देखिए मैंने दोनों में इक्वल पानी भर लिया है, अभी अपन करेंगे फिनिश को, क्या बोलते उसको, फोड़ देंगे, अनबॉक्स करेंगे फिनिश को। और वैसे भी मेरे पास कोई स्कूप नहीं था सर्फ एक्सेल डालने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए एक स्कूप मिला है मेरे को। माय गॉड, फिनिश वालों की ये बात मुझे अच्छी लगी है। तो गाइस अपन क्या करेंगे, इसमें मैच डालेंगे और इसमें सर्फ एक्सेल डालेंगे। तो एक स्कूप आप देख सकते हो, ये एक स्कूप मेरे को वैनिश के अंदर निकला है। और ये देखिए मैं आपके सामने इसमें वैनिश भर रहा हूँ। और गाइस जिंदगी में फर्स्ट टाइम वैनिश यूज कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों के लिए, जिंदगी में कभी यूज नहीं किया वैनिश। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इतना भरा है इसको, तो अपन डालते हैं इसको अभी इसमें सीधा एक स्कूप। इसमें डाल दिया है हमने वैनिश, आड़ो निकाला उगो ना। और गाइस ये है अपना सर्फ एक्सेल, और भाई इसको तो पैक किया हुआ है, इसको खोलते हैं। ये भी हमें एक ही स्कूप डालना है, तो इसको भी एक स्कूप निकालते हैं इसमें से। तो गाइस आप देख सकते हो ये अभी एक स्कूप मैंने सर्फ एक्सेल ले लिया है, इसको डाल देते हैं ये वाले डब्बे में। और आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसलिए मैं इसके पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऐसा सर्फ एक्सेल वाला ऐसी पन्नी रख देता हूँ, और इसके साइड में ऐसा वैनिश वाली ऐसी पन्नी रख देता हूँ, मतलब जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया तो रहेगा कि इसमें सर्फ एक्सेल है और इसमें वैनिश है। वैसे भी आप इसका कलर ऊपर से देख सकते हो, एक बार दिखाओ भैया, इसका कलर ब्लू है और इसका कलर व्हाइट है। अभी अपन इसको करेंगे मिक्स। तो गाइस जैसे कि टीवी में बताते हैं वैनिश में बुलबुले आते हैं, तो इसमें तो वैसे कोई बुलबुले नहीं आए, तो ठीक है। और सर्फ एक्सेल में आपको बताता हूँ, सर्फ एक्सेल में थोड़े बहुत बुलबुले आने चालू हो चुके हैं अभी से। सर्फ एक्सेल को भी अपन ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया अभी। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमने दोनों को एकदम इक्वली एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों को, एक बार वापस से कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप देखो मेरे पास है ये एक रुमाल जिसको ये साइड से दाग लगा है, तो एक रुमाल अपन डालेंगे अभी वैनिश में आपके सामने। एक बार इसको ऐसे से और गंदा कर देता हूँ, थोड़ा सा और भी साफ कर लेता हूँ इससे। और इसको डालेंगे अभी अपन वैनिश में एक रुमाल, और दूसरा रुमाल आप देख सकते हो ये वाला जो कि हमने कुछ ऐसा गंदा किया था, इसको डालेंगे हम सर्फ एक्सेल में, और इसको भी डाल देते हैं ऐसा, और इसको भी डाल देते हैं ऐसा। तो गाइस आप देख सकते हो वैनिश में कुछ तो कुछ एक्शन होना चालू हो चुका है अभी से, भाई एक मिनट नहीं हुआ है डालने के लिए। और आप देख सकते हो वैनिश ने थोड़ा सा कलर निकालना चालू कर दिया है अभी, ये पीला पड़ चुका है, और देख सकते हो ये नीले से ये भी थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा है भाई, ये भी काला पड़ चुका है। तो गाइस अभी अपन क्या करेंगे, अभी दोनों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने को दोनों को 1 घंटा कम से कम पानी में भिगो के रखना है। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 hour later। तो गाइस फाइनली अपने को हो चुका है अभी 1 घंटा। तो अभी है समय रिजल्ट का, और भाई रिजल्ट के टाइम मैं तो नहीं भाई, लेकिन सिर्फ एक या फिर मैनेज को नर्वस होना चाहिए, मैं तो नहीं होने वाला क्योंकि मैं जज हुआ। तो भाई सबसे पहले अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें हाथ डुबाना पड़ेगा, तो मेरे को वॉश निकालना पड़ेगा, भाई वॉश निकाल दो। तो भाई ये निकाल लिया है मैंने वॉच,
और गाइस अभी मैंने क्या किया है, ये एक बाल्टी पानी लिया है, इसमें आप देख सकते हैं एकदम क्लीन वाटर है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें से जो भी रुमाल मैं निकालूंगा वो अच्छे साफ पानी में धोऊंगा और आपको एंडिंग में रिजल्ट बताऊंगा कि इसने कैसा धोआ, वैनिश ने और सर्फ एक्सेल ने कैसा धोआ है। तो वापस से एक बार आपके रेफरेंस के लिए, इसकी वजह से सर्फ एक्सेल और ये है वैनिश, दिख रहा है ना, ठीक है, ये सर्फ एक्सेल और ये वैनिश। तो चलिए शुरू करते हैं धोने के प्रोसेस। तो अपन अभी क्या करेंगे, इसमें मैं दोनों हाथ डुबाऊंगा और रुमाल को अच्छे से रगड़ूंगा एक बार। लग तो रहा है कि दाग निकले, देखते हैं। तो गाइस ये देखो मैंने वैनिश में से रुमाल निकाला है, इसको कुछ नहीं किया अभी। तो आप देख सकते हैं कि भाई हल्दी के दाग छोड़ के चाय के दाग तो निकल चुके हैं और टोमेटो सॉस के भी दाग थोड़े से रह गए। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बार वापस से थोड़ा घिसते हैं वैनिश में। ऐसा एक घंटे में ऐसा रिजल्ट मुश्किल है, लेकिन भाई अच्छा परफॉर्म किया वैनिश ने। देखते एक बार वैनिश को अच्छे पानी में धोके। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं, या फिर मैं ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है ना ब्रो। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, इस पे कोई दाग दिख रहा है क्या ब्रो? तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे था टोमेटो सॉस का दाग, यहाँ पे था चाय का, और ये है सबसे नीचे हल्दी का। तो गाइस हल्दी का दाग तो नहीं निकला है, चाय का निकल चुका है और टोमेटो सॉस का थोड़ा सा रह गया है वैनिश में। तो इसको रखते हैं वैनिश के ऊपर। अभी सर्फ एक्सेल का देखते हैं भाई। तो सर्फ एक्सेल को वापस से एक बार धो लेते हैं इसमें अच्छे से। तो गाइस सर्फ एक्सेल लास्ट टाइम का विनर था अपना, तो ये टाइम कैसा परफॉर्म करता है सर्फ एक्सेल, चलो देखते हैं। तो गाइस सर्फ एक्सेल ने, अरे भाई 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 सर्फ एक्सेल ने टोमेटो सॉस का दाग कम्प्लीटली निकाल लिया है शायद। तो गाइस देख सकते हैं आप, सर्फ एक्सेल ने हल्दी का दाग थोड़ा सा निकाला है और चाय का और टोमेटो सॉस का दाग पूरी तरीके से निकाल लिया है, लेकिन इसको अभी पानी में से धोना बाकी है। पानी में से देखते हैं एक बार क्या होता है। तो गाइस ये धो लिया है हमने सर्फ एक्सेल वाला रुमाल, इसको निकालते हैं पानी से बाहर। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो सर्फ एक्सेल ने क्या किया है, आप देख सकते हो यार सबसे ऊपर है हल्दी का दाग, उसके नीचे था चाय का और उसके नीचे था टोमेटो सॉस का। तो आप देख सकते हो सर्फ एक्सेल ने हल्दी का दाग छोड़ के बाकी दोनों दाग निकाल लिए है सर्फ एक्सेल ने। एक बार आपको सामने यहाँ पे रख के बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये है सर्फ एक्सेल वाला रुमाल और ये है वैनिश वाला रुमाल। तो गाइस यहाँ पे भी मेरे हिसाब से नहीं, अभी आप ही लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये दोनों रुमाल में से कौन सा रुमाल विनर है और कौन सा रुमाल लूजर है। तो आपको बता दूं ये है वैनिश और ये है सर्फ एक्सेल। और गाइस मेरे हिसाब से आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से नहीं भाई आप लोगों के सामने ही है, मेरे कहने के अनुसार भाई मेरे लिए तो सर्फ एक्सेल ही विनर रहेगा और अभी तक तो सर्फ एक्सेल ही विनर है। और आप देख सकते हो भाई वैनिश हार चुका है ये टाइम, तो फीलिंग सैड फॉर वैनिश। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। तो गाइस जैसे कि वीडियो में आपने देखा अपना विनर रहा है सर्फ एक्सेल और वैनिश हार चुका है, और गाइस पिछले वीडियो में भी अपना विनर था सर्फ एक्सेल, और मेरे हिसाब से हमेशा विनर रहने वाला है सर्फ एक्सेल। और अगर आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड सर्फ एक्सेल को अगर टक्कर दे सकता है तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा ब्रांड सर्फ एक्सेल को टक्कर देगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इसका टक्कर वैनिश से किया, एरियल से किया, टाइड से किया, लेकिन सर्फ एक्सेल ही हमेशा विनर रहा है। तो आई लव सर्फ एक्सेल और अपनी स्लैंग है, क्या दाग सच में अच्छे है, सर्फ एक्सेल है तो सच में अच्छे है। बाय बाय।